प्रस्तुत है कहानी मिसबाल, कहानीकार मोहन राकेश और वाचन स्वर अल्पना वर्मा। जैसा कि कहानी का शीर्षक ही बता रहा है, यह किसी स्त्री से संबंधित कहानी है, तो सही समझे आप। यह मिसबाल नामक एक स्त्री है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी उन्हीं के चारों ओर घूमती है। तो कहानी को शुरू करते हैं और कहानी पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि इस स्त्री की क्या विशेषता है, क्यों इस पर केंद्रित करके मोहन राकेश जी ने कहानी लिखी है। कहानी शुरू करते हैं। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती थी, फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह इन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती हैं, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गाँव में रहती होगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो उन लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए हुए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की ओर मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई, पर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रंजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ क्या से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, तुम मनाली कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई, नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल उल्हाना के स्वर में बोली, उल्हाने देती हुई बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त? ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की ओर देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी एक मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ, मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊँगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी ओर देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा कुल्लू तक का हम लोगों का साथ है ही, बात कुल्लू पहुँच कर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको फिर चले जाना। बस में बहुत ही भीड़ थी, पहले से ही बहुत भीड़ थी, 2-3 आदमी वहाँ से और चढ़ गए जिससे अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं रही। मिस पाल दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उनको रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत देर कहा कि अंदर मेरे वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊँगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था इसीलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की ओर देखा। वहाँ इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीन कर भाग गया हो और उसे समझ ना आ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी।
मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां से उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी तो नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक ही जाऊं। मगर मिस पाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक अचानक ढंग से हुई थी कि निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी ना सका था। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था, हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहते थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती बढ़ती कुछ नहीं, बस घूमती है और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ये कहना था कि मिस पाल का दिमाग ख़राब हो गया और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागलखाने भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 रुपये की नौकरी को छोड़कर चली गई थी, यानी कहीं दफ्तर में। अब वो पुरानी बात को याद कर रहे हैं लेखक और कह रहे हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी लगाई नौकरी को छोड़कर चली गई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया था, यानी रिजिग्नेशन दिया था, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिस पाल के नौकरी छोड़ने का कारण कि क्यों उन्होंने नौकरी छोड़ी मैं काफ़ी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफ़ी अकेला था क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था। बाहर के लोगों से भी वह बहुत कम मिलती थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना ही नहीं हो सकता। ये लोग इतने ऊंचे और बेईमान हैं, वह कहा करती थी, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हुए हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस पाल का कथन था जो अब लेखक को याद आ रहा है। मगर उस वातावरण में उसके दुखी होने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करते थे। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते थे। बुखारिया किसी का नाम है तो उसे रोज ही उसके रंग रूप पर कोई ना कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। तो दूसरी तरफ जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। मिस पाल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए ही बाल छोटे कटवाती थी और बगैर बाह की कमीजें पहनती थी। बनाव सिंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफ़ी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पाल इस नई कमीज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की हर बात दिल में चुप जाती थी क्योंकि लोग उसके ऊपर ये ताना कसते थे, क्योंकि वह देखने में सुंदर भी नहीं थी, सांवली थी और मोटी थी। मिस पाल को इस तरह की हर बात दिल में चुप जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कई घंटे की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से
ही वह और लोगों से भी मेलजोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी, मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचते तो उसके कमरे से सितार की आवाज़ आ रही होती, या फिर रंग और कूजियों को लिए किसी तस्वीर में वह उलझी होती। मगर जब वह इन दोनों में से कोई भी काम ना कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर दो तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो चीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूँ। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े और नहाने चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत ही परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो वहाँ से उठ जाऊँ। मिस पाल अपने कमरे के चारों ओर खोज कर जाने कहाँ से एक चायदानी और तीन चार टूटी प्यालियाँ निकाल लाती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहिमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। बोहिमियन एक टाइप की कॉफ़ी। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों, मैं और मेरी दोनों बहनें, अपना ज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार तो वह हमें बहुत उदास मिलती, ठीक ढंग से बात भी ना करती। मेरी बहनें ऐन मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर कभी नहीं जाएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पाल से ज़्यादा सहानुभूति होती। क्यों सहानुभूति होती? क्योंकि लेखक उनके मन का दर्द समझते थे, उनके एकाकीपन और समाज में उनके प्रति जो उपेक्षा का भाव अन्य लोगों के मन में था, उसके ये सब लेखक समझते थे। तो वे कह रहे हैं कि मुझे इस अवसर पर उनसे बहुत अधिक सहानुभूति होती थी। आखिरी बार जब मैं मिस पाल के यहाँ गया तो मैंने उसे बहुत उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज़ अस्पताल में खबर पूछने आती रही थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास ही रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया उससे एक दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता चला कि शायद सुबह से नहाई भी नहीं है। मैंने पूछा, क्या बात है मिस पाल, तबीयत तो ठीक है? उसने कहा, तबीयत ठीक है मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। अरे क्यों, कोई खास बात हुई क्या? नहीं नहीं खास बात क्या होगी, बात बस इतनी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर की किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चले जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है कि मैं खामखां यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। सारा का सारा सिलसिला मुझे बेईमानी, बिल्कुल बेईमानी लगता है, यानी बिना किसी अर्थ के लगता है, अर्थहीन लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा या शेक लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50, 60 या 100 रुपये में ही गुजारा कर सकती हूँ। क्योंकि वह अकेली है, मिस पाल, उनकी
शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं, अविवाहित है। यहाँ मैं जो 500 रुपये लेती हूँ, वे 500 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं, यह खुद मेरे समझ में नहीं आता। दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के ऑफिस में काम कर रही हैं, पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खाम का दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूँ? बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करें। गंदगी जो लोग बातें बनाते हैं, ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा। तो ये उनके मन का दर्द है मिस पाल के। अब लेखक क्या कहते हैं, मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ अभी तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबरा कर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कैसा कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। पर मिस पाल की वितृष्णा इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रणजीत, वह बोली, यहाँ ऐसे लोगों के बीच रहूँगी और रहूँगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियाँ लेकर जाती रही हूँ उसे भी लेकर ये लोग जाने क्या क्या बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हों उनके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है? मैंने यह सब बहुत दिन सह लिया है, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊँ कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते हुए डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं और बात बीच में छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकलकर घर आए हो, अभी अस्पताल से निकलकर आए हो और मैं हूँ कि अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए, अभी से इस तरह से चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बात को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि मिस पाल ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, इस बात को रहने दो, मैं लोगों को दिल से नफरत करती हूँ। इन लोगों से दिल से नफरत करती हो, तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है, यह उन सब से कहीं ज़्यादा सभ्य है। पिंकी मिस पाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उस कुत्ते के साथ इस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है। उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुंह पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोद में लिए मुझे बाहर तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, और वह पिंकी की एक अगली टांग हाथ से हिलाती हुई बोली, टाटा टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई थी कि कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप ही उड़ा दी थी, अपने आप ही जोड़ दी थी। बस बस जिसमें लेखक बैठे हैं अभी वापस बस में ही आ गए। बस में बैठे बैठे ये सारी बातें सोच रहे हैं और बस ब्यास के साथ साथ, ब्यास जो नदी है वहाँ, तो उसके साथ साथ मोड़ काट रही थी। पहाड़ों पे बसें जो है बहुत से मोड़ होते हैं, तो ऐसी एक मोड़ से वो गुजर रही थी। और लेखक कहते हैं,
मेरा मन हो रहा था कि लौट कर रायसन चला जाऊं, जहां वे मिस पाल से मिले थे। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था, और मिस पाल थी कि कई महीनों से वहां रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वह अकेली वहां कैसा महसूस करती है, और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलना और बात करने का भी अपना एक आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुँच कर रुकी तो मैंने अपना सामान वहाँ उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया, और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाज़ार में उतार दिया। मैंने वहाँ एक दुकानदार से पूछा, मिस पाल कहाँ रहती है? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा, मिस पाल कौन है भाई? अरे वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस? हाँ हाँ वही होगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे, उन सब की आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वे मन में तय करना चाह रहे हों कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। ये अमूमन लोगों की सोच होती है, तो हमारा जो आसपास का समाज है, लोग हैं, उनकी सोच है, कुछ सब कुछ बहुत ही कुछ यथार्थ इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ भी एक ऐसी कहानी है ये, जो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ही आसपास के किसी पात्र के साथ घट रही हो। चलिए मैं आपको वहाँ उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मैंने साथ चलते हुए उनसे पूछा सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिस क्या अकेली ही हैं या? हाँ अकेली ही हैं। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे, फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उसका क्या उत्तर दूँ। पल भर सोचने के बाद मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क से बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुँच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ से घिरा था, बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने हुए थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहाँ से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मिस पाल की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल लिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था, उसी पर 2 तकियों के बीच लेटी थी, जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रेंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर तय नहीं कर सका वह पुस्तक पढ़ रही है या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक कर बैठ गई, अरे तुम? हाँ मैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम, वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए थे? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो साथ मिल जाकर वापस आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर उसी समय तुम उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहाँ भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर पर दिखाई दिया करती थी। हर चीज़, हर दूसरी चीज़ की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे, और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थीं। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, मिस पाल जरा व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय की फिक्र पहले ही करने लगी। मैंने कहा, मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो, इस वक्त तुम्हारी बोहिमियन चाय पीने का ज़रा मन नहीं है तो मत पियो, मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बनाए देती हूँ, और कपड़े अपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी मेज थी, पर उस पर भी इतनी चीज़ें पड़ी थी कि कहीं कोहनी रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रख रखे हैं।
मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकाल कर फाड़ दूँ या कहीं आग में झोंक दूँ। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाइयाँ नहीं थीं, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर और डिबिया दिखाई कहीं नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पाल फिर उठी और कमरे से चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हुआ है जिस दिन मैं मिस पाल के घर देर तक बैठा उससे बातें करता रहा था। पिंकी से मिस पाल के टाटा कराने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी मिस पाल दिया सलाई की डिबिया लेकर आ गई। मेरे इस तरह अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या, उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौट आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे अपने आप को अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी है, मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मिस पाल पहले से भी गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफ़ी रूखा लगने लगा, आंखों में लाली भर रही थी जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी, उसने अपनी उसांस दबाकर कहा। मैंने उसे कितनी ही गर्म चीज़ें खिलाएं पर वह दो दिन में चलता बना। मैंने विषय बदल दिया, उसे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई, यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पाल की बातें करके हंसते होंगे, उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल से अलग हो, भिन्न हो, जिसके बारे में सवाल पूछ रही है। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। मैंने कहा, लोगों की बात को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो चार दिन में भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हुआ कि मैंने यह कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं जैसे पहले उसका मजाक बनाया करते थे। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वह उनकी छींटाकशी से बचकर ही तो यहाँ पे आई थी और अब यहाँ पर आकर उसका यह निर्णय सही था। अगर ये उसे इस बात का विश्वास हो जाता कि उसने वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ पर आने का जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है, अगर लेखक उसकी बात की हाँ में हाँ मिला देता और उसके अनुमान के अनुसार जवाब दे देता कि हाँ लोग तुम्हारे बारे में बात बनाते हैं। मिस पाल बोली, हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हों क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग मित्र रहे हैं, नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाहर जा सकते हैं। अच्छा था मिस पाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, उसने समझा कि मैं झूठ मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, हो सकता है बातें करते भी हों, पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं, मिस पाल ने मुंह बिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी वह उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वह ठीक से उनसे प्रतिशोध नहीं ले पा रही। मैंने बात बदल दी, मैंने कहा, तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफर हो गया है? अच्छा, मुझे पता नहीं था। पर उसने उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफर का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पाल हूँ हूँ हाँ हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई है। कहानी मिस पाल का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है।
और कहानी के अगले भाग के लिंक के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर पिंड कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा।